गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मैं फ़िलहाल वाशी की तरफ जा रहा हूँ, न्यू बॉम्बे सेक्टर 17 बबलू मोटर। और आज मैं अपने इस BMW GS 310 पे फॉग लैंप माउंट करने वाला हूँ। जो मेरी हिमालयन में लगी थी वो HJG की थी, उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। बट मैंने सोचा कि इसके लिए क्यों ना मैक डॉग ट्राई किया जाए। और क्यों ले रहा हूँ मैक डॉग, इसकी भी एक वजह है। तो चलिए चलते हैं बबलू मोटर की तरफ। न्यू बॉम्बे में है, न्यू मुंबई में है, सेक्टर 17 में। और देखते हैं मैक डॉग, उसकी एसेसरी, उसका इंस्टॉलेशन और वो कितना उसका कॉस्ट पड़ता है, सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं बबलू मोटर की तरफ। तो फिलहाल हमने मैक डॉग की लाइट ली है। ये है मैक डॉग की लाइट, स्काउट है ये, चार इसमें LED है। ये इसका वायर हार्नेस है, नॉर्मल हार्नेस लिया है, प्रो नहीं लिया है। जो इसका स्विच है वो हमने लिया है प्रो में, थोड़ा अच्छा लगता है। इसका लाइट ब्लिंकिंग सिस्टम तो ये लिया है। और इसके साथ हमने इसका ये एक मिनट फिल्टर लिया है, इसमें एक येलो है और एक नॉर्मल है जिसको हम इसको बंद कर सकते हैं। तो ये रहा, और ये रही GS जो सामने खड़ी है। अभी वो सीट निकाल दिया है, टाकी निकालेगा और इसके नीचे से इसका वायर लेके जाएगा। ऑलरेडी जिसका क्रैश कार्ड लगाया है इसमें इसका माउंटिंग माउंट बना हुआ है, हम इसी पे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए वेट करते हैं मैकेनिक का कि वो काम कब शुरू करता है। फ़िलहाल बबलू मोटर्स में काफ़ी गर्दी है, संडे है, इसके लिए हर जगह कोई ना कोई बंदा लगा हुआ है। तो चलिए वेट करते हैं इसका माउंटिंग का। तो गाड़ी का काम शुरू। सत्यम आए जो काम कर रहे हैं, टाके निकालेंगे, वायर हार्नेस नीचे से डालेंगे और डालने के बाद फॉग लैंप का जो माउंट है वहाँ लगा देंगे। ये था एक साइड का पैनल निकला, वो साइड का पैनल निकल चुका है। अब फिर जस्ट टाकी बाहर निकाल लिए। गाड़ियों में स्क्रू बहुत है इसलिए एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, नहीं तो यहाँ का वहाँ हो जाएगा। क्योंकि तो नॉर्मली जो हिमालयन है वो बहुत ईजली उसकी टाकी निकलती है, लेकिन GS में एक वेल एक्सपीरियंस मैकेनिक चाहिए। लंबा वाला ट्राइपॉड दिया था ना, रखा
कलेक्शन कंप्लीट हो गया है और फिलहाल साथ ही बैठेगी। काम खत्म, अब इस वीडियो को देखें कैसा बना है। मैड डॉग लाइट लग चुकी है, 7000 रुपये की फिल्म बन चुकी है। आई होप सो कि आपको पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। सी यू।